अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव के रायगढ़ आगमन पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। वहीं जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की। 9 फरवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव के रायगढ़ आगमन पर कांग्रेसियों ने उनका भव्य स्वागत करते हुए जय घोष किया, साथ ही फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया, जिसके बाद 10 फरवरी की सुबह जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव को कुछ महीने ही रह गए हैं, सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अपने वचन पत्र में किए वादे को पूरा करना शुरू कर दिया है और इसका लाभ आम जन को मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है और वो जनता को जवाब देंगे। भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में वह सभी को साथ लेकर काम करने की मंशा जाहिर की। रायगढ़ जिले में रुकी परियोजनाओं को शुरू कराएंगे और जो सरकार को चूना लगा रहे हैं या तो वह अपनी आदत बदल डालें या डिंडोरी से बाहर जाएं। छत्तीसगढ़ वासियों की समस्याओं को दूर करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। आगे श्री यादव ने कहा कि कार्यकर्ता भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और जहां गड़बड़ी है उसकी जानकारी दें, वो स्वयं पहुंचकर निरीक्षण करेंगे। पहले की भाजपा सरकार से आदमी त्रस्त हो गए हैं, इसलिए सरकार बदली है और जवाबदारी उन्हें दी गई है। बैठक में मुख्य रूप से जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी, जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदाधिकारी, महिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता एवं सम्माननीय पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे और कांग्रेस की ओर से लोकसभा के टिकट मांगने वाले सभी दावेदार भी नजर आए। अपने अपने समर्थकों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चंदन यादव से मुलाकात कर अपना आवेदन भी दिया और चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की। सबका आवेदन लेने के पश्चात चंदन यादव ने उनकी बात राहुल गांधी के समक्ष और अन्य पदाधिकारियों के समक्ष रखने की बात कही। विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयास से, सफल प्रयास से 3/4 बहुमत से हम जीते हैं। लोकसभा चुनाव आगे 2 महीने में होने वाला है। उस चुनावी प्रक्रिया के हेतु, संगठन की मजबूती हेतु, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए रायगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्य समिति की, विस्तारित कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें हम लोग चर्चा किए कि किस तरह से लोकसभा में चुनाव में हम तैयारी करें, संगठन को मजबूत करें, बूथ और सेक्टर को फिर से रिव्यू करके जहां जहां हमने अच्छा प्रदर्शन किया, क्यों किया, अच्छा कहां रहा, कहां कमियां रही, उन सबों को स्टडी करके फिर से उसका रिस्पॉन्स करेंगे और आगे आने वाले दिनों में हमें क्या क्या कार्यक्रम करना है उस पर हम विचार विस्तार से किए और अपने संगठन के लोगों को जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिकग्नाइज़ करना है और संगठन में लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी देने का काम हम लोग आगे कुछ दिनों में तय करेंगे। इसी हेतु आज यहाँ की बैठक बुलाई गई थी। सरकार बनने के बाद काफ़ी ऐसे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी जो काफ़ी टाइम बाद सक्रिय हो रहे हैं फिर से, इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही संघर्ष का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को यहाँ की जनता से भरपूर आशीर्वाद मिला। हम तमाम अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने 15 साल से संघर्ष के बावजूद भी बहुत ही एकजुटता के साथ जनता के बीच में अपनी बात पहुँचाई, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के संदेश को जन जन तक पहुँचाया। जैसे विधानसभा चुनाव में हमारे प्रदेश स्तर के जो कार्यक्रम योजना बनी थी, वैसे आदरणीय राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के लिए एक योजना तैयार कर दी, जिसको कार्यकर्ताओं के बीच में लाकर समझाया जाना है और उस योजना के तहत कार्य किया जाना है, जिससे आने वाले लोकसभा में हमें सफलता मिल सके। अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल जैसे बढ़ा हुआ है और क्यों नहीं बढ़ेगा, दोनों जिले के 8 विधानसभा पे कांग्रेस सीट पे है और पूरी आज देश की जो लहर है, जो स्थिति है, मोदी के विरुद्ध चल रही है। जितना वोट से कांग्रेस यहाँ से पिछले चुनाव लोकसभा में हारी थी,
कहीं उससे ज़्यादा वोट से कांग्रेस इस समय चुनाव जीतेगी, ये हम कार्यकर्ताओं का दृढ़ संकल्प है। आज हमारे राष्ट्रीय सचिव छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव जी का रायगढ़ आगमन हुआ है और लोकसभा की तैयारियां चालू हो गई हैं। दावेदारों का चयन और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए उनका दौरा है। पूरी संभावना है छत्तीसगढ़ में, जैसा कि आप सबको पता है कि हम एक तरफा 68 सीट जीते हैं। हम पूरी कांग्रेस को पूरी छत्तीसगढ़ की पूरी 11 सीट प्रथम पहला तो हम रायगढ़ लोकसभा देना चाहेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।